मतलब जैसे फेसबुक लाइव चालू होते हैं वैसे ही भाई लोगों के कॉल भी कंटिन्यू हो सकते हैं। उस्मान भाई कैसे हैं? ओ मनीष यादव भाई, अमर कुमावत जी, संजय सेठिया भाई, कैलाश शर्मा जी, गोविंद सारस्वत, आवाज़ आ रही है आवाज़ आपको? एक बार थोड़ा सा बताएंगे आवाज़ आ रही है क्या? एक बार थोड़ा सा बताएंगे यार आवाज़ आ रही है आवाज़। विशाल भाई राम राम। वॉइस क्लियर है यार? वॉइस का मैंने ना अभी माइक ले लिया, माइक आप भाइयों के लिए, और वो भी पता कौन सा, वो भी लिया मैंने बोया माइक, ताकि ये जो आवाज़ का जो डिस्टरबेंस था ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, और उसके बाद मोस्टली जितने भी लाइव रहेंगे वीडियोस रहेंगे अपने उनमें आपको और क्लियरिटी के साथ में वॉइस मिलेगी। अभी तो वॉइस कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है या कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि टेस्टिंग आज इसकी माइक की भी टेस्टिंग है। देवप्रिय चटर्जी ब्रो, एक बार बताएंगे थोड़ा सा यार कि वॉइस जो है वो क्लियर है या कुछ डिस्टरबेंस है, फिर कुछ अपडेट चालू करूंगा अभी मैं। अच्छा क्लियर है, ओके। थोड़ा सा तो मैं दिखाता हूँ पहले आपको अपने ऑफिस का आउटलुक, देख सकते हैं पीछे आप, ये मेट्रो जा रही है, मेट्रो के साथ में फ्लाईओवर चल रहा है, और इधर पीछे देख सकते हैं मार्केट। तो उस्मान भाई बोल रहे हैं फ्यूचर नेट क्या चीज़ है इन अ शॉर्टली। उस्मान भाई फ्यूचर नेट मेरी लाइफ लाइन है, आज अगर मैं इस फेसबुक पर हूँ, इस यूट्यूब के ऊपर हूँ, या जो मैंने अभी वर्ल्ड की कई सारी जर्नी करी हैं उसके पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो उसमें फ्यूचर नेट है। तो फ्यूचर नेट मेरी ऑक्सीजन है, फ्यूचर नेट मेरा लाइफ लाइन है, एवरीथिंग फ्यूचर नेट है, यही बोलूँगा। इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आज यहाँ बात करूँगा रेजोनेंस कैपिटल की। लगभग 3 महीने पहले मैंने रेजोनेंस कैपिटल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर लेकर आया तो मोस्टली 400 पीपल्स ने मुझे ज्वाइन किया, जिसमें से आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, और मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा यार कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे साथ में स्टार्ट किया। मेरे साथ ये पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कि यहाँ एडमिन डायरेक्ट अपने टच में है, एडमिन जो है डायरेक्ट अपने टच में है, लेकिन कई चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में कब कौन सा प्रोग्राम स्विच कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर कई बार सामने वाला अगर उसकी नीयत भी अच्छी हो तब भी कई बार हमें जो उसको भी बहुत सोच समझ कर और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे विचार माइंड में आते हैं कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कहावत है ना कि बोलते हैं दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। रेजोनेंस कैपिटल बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग अपने साथ में 400 पीपल्स की टीम वर्ल्ड वाइड हो गई है जो कि काम कर रही है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। लेकिन इतने में क्या हुआ कि यहाँ पर आ गई क्रिसमस और न्यू ईयर, तो कंपनी ने बोला कि यार हम जो है ना क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है हम छुट्टी पर जा रहे हैं। पहली बार था अपने लिए ऐसा कि कोई ऐसी कंपनी जो ये बोल रही है कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। हमें भी लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, ऑनर से बात की सब चीज़ की, तो उसने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मोस्टली होता क्या है कि जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो जितने भी क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, जब उनके फेस्टिवल्स आते हैं तो वो उस टाइम छुट्टी पर होते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी टीम छुट्टी पर होती है। तो यार ऑनर ने बोला कि यार हमें
ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो जब हमारी टीम ही नहीं रहेगी, हमारा यहाँ पर मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा, ट्रेडिंग ही नहीं होगी, तो हम पैसा देंगे कहाँ से? मैं यहाँ पर मनी रोटेशन तो कर नहीं रहा हूँ, ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा हूँ, तो इससे बेस्ट है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। इसी बीच उन्होंने क्रिसमस के बाद का जो सेशन था वो कंटिन्यू किया और अपने को जो लास्ट वाला पेमेंट था वो दिया उसने अपने को 30 के आसपास का, जो फ्राइडे था उसको। फिर उसके बाद वो छुट्टी पर चले गए। लास्ट फ्राइडे से मींस लास्ट मंडे से उन्होंने ट्रेडिंग पर आना था, लेकिन बिटकॉइन में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि 1 वीक और हम छुट्टी पर जा रहे हैं, या 1 वीक और ट्रेडिंग रोक लेते हैं, क्योंकि लग रहा है, जो मतलब सामने से दिख रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आज की डेट में अभी एडमिन की नीयत जो है वो पैसा देने की है। क्यों? क्योंकि अभी 25th या 26th को अभी एक इवेंट होने वाला है साउथ अफ्रीका में, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। पिछले कल नाइजीरिया में इवेंट था, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये इवेंट इंडिया में भी मिले। तो इससे पता चल रहा है कि जिस आदमी को जाना होता है, बाय बाय करना होता है, तो इस उतार चढ़ाव में, जो बिटकॉइन का इतना बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था, इसमें बाय बाय कर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि आज से फिर ट्रेडिंग चालू हो गई है। इस फ्राइडे को सभी लोगों का पहला जो नेक्स्ट वाला विड्रॉल है वो आ जाएगा, कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग भी रेजोनेंस कैपिटल में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला यार कि हर जगह अपने को ना 2 से 3 बिजनेस में अपना हाथ चला कर रखना है, किसी भी एक बिजनेस में नहीं रहना है। अगर हम एक बिजनेस में फंसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ, गेम ओवर। अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैंने स्टार्टिंग से यही डिसीजन लिया कि मुझे कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम के साथ रहना है। ठीक है, अभी लाइट नहीं आ रही थी तो अपने ऑफिस में अंदर की लाइट आ गई है, लाइट तो चलते हैं अंदर ऑफिस में और कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या तो मैं आपको ऑफिस, तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पर कि अशोक भाई, मैंने यार आपको बताया तो है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेंजर में डाला हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपडेट दिया हुआ मैंने आगे, जैसे अपडेट आता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा और बताता हूँ जैसा भी होता है भाई। तो गाइज, मैं जैसे कि आपको बोल रहा था अभी रेजोनेंस कैपिटल को लेके कि मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई, उसका जो पास था वो बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। सुनील कुमार भाई बोल रहे हैं किस क्यों कर रहे हो भाई, किसको कर रहे हो? मैं तो सभी भाइयों को कर रहा हूँ यार, बताओ को गलती है क्या? अरे सुनील भाई, गलती है तो बताओ। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था जैसे कि अभी रेजोनेंस कैपिटल को लेके कि रेजोनेंस कैपिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने बताया। अगर मेरे पिछला वीडियो भी है जो आपको यहाँ मिलेगा अभी देखने के लिए, क्योंकि बीच में इंटरनेट डिस्टर्ब होने की वजह से दोबारा मुझे मजबूरी में इसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा लाइव करना पड़ा। तो यार मैं यही बोलूँगा कि जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैंने बोला था कि 3 से 4 प्रोग्राम के साथ आप आओ। मैंने शुरू से हमेशा यही बोला है कि 3 से 4 प्रोग्राम अपने पास रखो। एक प्रोग्राम आपके पास ऐसा भी होना चाहिए जहां से आपको डेली पैसा आए। आपके पास एक प्रोग्राम ऐसा भी होना चाहिए जहां से, एक मिनट यार, आपके पास में एक आध प्रोग्राम ऐसा भी होना चाहिए जहां पर आपके पास में डेली पैसा आए। एक आध प्रोग्राम आपके पास में ऐसा भी होना चाहिए जहां पर कि आपके पास में वीकली पैसा आए। एक आध प्रोग्राम ऐसा भी होना चाहिए जहां पर आपके पास में लगे कि आपको पैसा झटके से भी आए। तो जब इस तरह के सारे आप कंट्रीब्यूशन, सारे के सारे सिस्टम्स बनाकर रखोगे,
तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिलेंगी। संदीप भाई अभी लाइव आना चाह रहे हैं, लेकिन संदीप भाई मैं लास्ट में लेता हूँ आपको, जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी बात हो तो शेयर करेंगे उसको भी, बट पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो भी लाइव आना चाहे आ सकता है, बता सकता है, उसको मैं ले लूँगा लाइव। तो रेजोनेंस कैपिटल आज से ट्रेडिंग चालू हो गई है, इस फ्राइडे को पहला विड्रॉल आ जाएगा और कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग भी, अगर अपने साथ में आना चाहते हैं, अपने साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं और मेरी की पूरी टीम आपका वेट कर रही है। अभी 26 को आपको इवेंट मिलेगा देखने को साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग से। रेजोनेंस कैपिटल का पिछले कल का जो इवेंट था वो नाइजीरिया में था, बहुत जल्द आपको इवेंट मिलेगा देखने को इंडिया में, और फिर एक बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा आपको थाईलैंड में। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी से दिख रहा है, सामने समझ में आ रहा है कि रियली में रेजोनेंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग भी यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो आप जो लोग दूसरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, दूसरी वीडियोस देख रहे हैं, सभी को देखें, कंटिन्यू रहें, आप सबके पास अपना माइंड है, क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ में अपने को कहीं ना कहीं, जो मेरा अपना मानना है, सर किसी का अपना अपना मानना होता है, आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ में मुझे कहीं ना कहीं और भी हाथ आजमाते रहना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं है, और इसी के साथ साथ में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मैं तो यार माइनिंग भी कर रहा हूँ, देखो माइनिंग चल रही है, ऐसे मैं 8-10 कॉइन सी माइनिंग ऑलरेडी कर रहा हूँ, और जिसके लिए मैं, मेरे पास में एक पीसी ये चल रहा है, अभी दूसरा पीसी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि लाइट गई हुई थी, दूसरा पीसी ये चल रहा है, उधर देख सकते हैं 2 पीसी मेरे उधर चल रहे हैं, तो अपना तो ऑलरेडी यहाँ पर सारे का सारा सेटअप चल रहा है, तो लेकिन साथ साथ में अपना जो है यहाँ पर इनकम का दूसरा भी सोर्स चालू है। थोड़ा सा मैं आपको अपने ऑफिस की जर्नी करवाता हूँ, ग्रीन पर्दा, ठीक है, ये वो ग्रीन पर्दा जिस पर अपनी वीडियोस बनती हैं, सामने अपना सेटअप, ये 2 सेटअप रखे हुए हैं यहाँ पर, ये अपना DSLR है, 2 अपने सेटअप जहाँ पर अपने हम लोग जो है मैं माइनिंग कर रहा हूँ, रेजोनेंस कैपिटल का अपना बोर्ड, इसी तरह से ये दूसरी चेयर, और 2 सेटअप ये रखे हुए हैं अपने माइनिंग के लिए, ऑलरेडी माइनिंग चल रही है, साथ में भाई लोग काम कर रहे हैं, मिलकर सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस का दूसरा बोर्ड मीन्स आज मैं रियलिटी में अगर किसी को लाइक कर रहा हूँ तो उसमें से रेजोनेंस भी एक है, ये मेरा वो स्टैंड जिस स्टैंड पर अपने वीडियोज़ बनते हैं, ठीक है, उधर आप सामने देख सकते हैं, ये अपना पूरे का पूरा सेटअप, और बाहर का आपको आउटलुक दिखाता हूँ, ये वो चेयर, वो टेबल जहाँ पर समझ सकते हैं कि शाम को कौन सी पार्टियाँ होती हैं, पार्टी भी होती हैं यहाँ पर, डिनर भी होते हैं, 1-to-1 मीटिंग्स भी होती हैं, सब चीज़ होता है, और इसी तरह से बाहर का मैंने आपको सारे का सारा आउटलुक दिखाया, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, तो यह है आपने पूरे के पूरे ऑफिस का सेटअप, और जिसको लेकर मैंने यहाँ पर प्रमोशन की बात की, ये वो प्रोग्राम है जो उस प्रोग्राम ने अपने को फ्यूचर नेट के बाद कुछ बढ़ा दिया है, तो रियली ये प्रोग्राम आपका भी वेट कर रहा है, अगर आपको लगे कि इस प्रोग्राम में आपको भी आना है, कंटिन्यू करना है, मोस्ट वेलकम है आपका भी, आप आइए कंटिन्यू करिए, ठीक है। यहाँ 2 भाई लोग आपस में क्या चल रही है, एक कैलाश भाई की और सुनील भाई का, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई लोग, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं,
मैंने इसी सोशल मीडिया से, मुझे नहीं पता किसने सोशल मीडिया से क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन मैं बोलता हूँ यार कि बिल्कुल विंडो 8 में माइनिंग कर सकते हैं, स्लो माइनिंग होगी बिल्कुल, आप अपने पीसी में सभी लोग माइनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके घर पर खुद माइनिंग है वहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग का सेटअप लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत जल्द आपको मेरे ये चैनल पर, आपको मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, बहुत जल्द मेरे माइनिंग के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, आपको रिग्स मिलने वाले हैं, आपको पूरे के पूरे सेटअप बताने वाला हूँ, कौन सी कंपनी का सेटअप लगाओ, क्या करो, क्या रहो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यही कैलाश भाई हैं, एक दिन बहुत गाली देते थे मुझे, आज जो कैलाश भाई का प्यार झलक रहा है ना मेरे लिए, एक टाइम ऐसा भी था कि कैलाश भाई ने मुझे बहुत बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने बोला भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज टाइम आपका चल रहा है, आपको जो बोलना है आप बिंदास बोलो, आने वाला टाइम तुम्हारे भाई का रहेगा और फिर आप भाई के साथ ही रहेंगे। तो रेजोनेंस में ट्रेडिंग चालू हो गई है, आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, साइनअप्स कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं और एवरी फ्राइडे जो विड्रॉल्स हैं उसके मज़े ले सकते हैं, ठीक है। अब कैलाश भाई पता नहीं आप कौन से कॉइन की कर रहे हैं, अल्ट कॉइन में कौन सा कॉइन ले रहे हैं, कौन से कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या वो सपोर्ट कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भाई टाइम गया भाई, अब टाइम भाई का है नहीं। कैलाश भाई ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि वो टाइम गया, देखो तब भी आप मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हो, मुझे इतना समझ में आता है कि उस दिन भी आप मेरे फैन फॉलोअर्स में रहे हैं, तभी आपने मुझे मेरे वीडियोज़ को देखा और मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद भी आपने जो भी मुझे अच्छा बुरा बोला, लेकिन आज भी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं आप मेरे फैन फॉलोअर में आते हैं यार, और यही सब आपका प्यार है, ठीक है। तो जो भाई लोग रेजोनेंस कैपिटल कंटिन्यू करना चाहते हैं, अमजद खान भाई बोले हैं हाउ मच इन्वेस्ट इन दिस प्लीज सर रिप्लाई। अमजद भाई किसमें, आई कांट अंडरस्टैंड इन विच प्रोग्राम यू वांट टू आस्क हाउ मच इन्वेस्ट इन दिस एंड हियर इज अ माई बिग ओगा दैट्स नेम इज अ कैल्विन कैरेवेल फ्रॉम Nigeria and he is a big earner, very big earner of Resonance Capital. मैं भी भाई की ही डाउनलाइन हूँ, कैलविन की ही मैं भी डाउनलाइन हूँ, और यहाँ पर एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे भाई, मेरे दिल के बहुत क्लोज साहिल भेल भाई भी गलती से, मुझे लग रहा गलती हो गई है भाई से, जो भाई आज मेरे लाइव में आए हैं साहिल वेल भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे फेसबुक लाइव में दादा। ये गलती मुझसे हो गई है या किसी और से हो गई है? अमजद खान भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका प्लान क्या है, आप किस तरह की इनकम चाह रहे हो, जैसा आप इनकम चाह रहे हैं वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम आप $50 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम अभी जो है आप यहाँ पर $20,000 तक जा सकते हैं, बट बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पर बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े पूल्स देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। सुनील भाई बोल रहे हैं भाई बिटकॉइन 15 लाख कब जाएगा, ये लीगल होगा या नहीं? सुनील भाई मुझे ये नहीं पता कि 15 लाख का कब जाएगा, क्योंकि मैं कोई क्रिप्टो करेंसी गुरु नहीं हूँ, और मैं जो बी ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि 15 लाख तक ना जाए। अगर नहीं जाएगा, सबकी पकड़ में रहेगा, सबकी अप्रोच में रहेगा, तो सभी लोग यहाँ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सब लोगों के पास में पॉकेट में पैसा होगा, सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सभी लोग पैसा बना पाएंगे, और लीगल और इनलीगल का यहाँ पर कोई मैटर बनता ही नहीं है।
पूरी दुनिया अगर ये बोल देगी कि यार हम क्रिप्टो करेंसी को ही बंद कर रहे हैं तभी कुछ हो सकता है, किसी एक सिंगल कंट्री के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो हमारी कंट्री हो चाहे दूसरे की कंट्री हो। बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो कि जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको कंटिन्यू पे करो, थोड़ा सा ऑनेस्टली चलने की कोशिश करो। जब ऑनेस्टली रहेंगे तो उसमें आपके लिए बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आप भी किसी प्रॉब्लम में नहीं आने वाले हो। बाकी आज की डेट में सभी लोग समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार तो आप लोग हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों से अपने प्रोग्राम शेयर कर सकता हूँ, मेरे साथ में आना मेरे साथ में नहीं आना आपके ऊपर डिपेंड करता है। संतोष कुमार सोमा बोल रहे हैं बिटकॉइन इज फॉर प्रोटेबल फॉर द माइनिंग। दादा मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि 1 फरवरी को फ्यूचरो कॉइन आ रहा है, ज्वाइन करो, स्टार्ट करो, 2 ईयर की माइनिंग के लिए जा रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है सबके लिए। मनीष यादव भाई बोल रहे हैं आई थिंक एंड ऑफ 2000 बिटकॉइन टच $25,000। डेफिनेटली ब्रो, मैं खुद चाहता हूं कि $25,000 तक जाए और इससे भी आगे जाए। बट ये जो बट आने बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब सबकी अप्रोच से जितना दूर जाता जाएगा उतने ही यहां पर और डिफिकल्टीज आती जाएंगी। तो जाना तो है इसको, कोई रोक तो सकता नहीं है। अभी हो क्या रहा है कि बैरियर क्यों लगाया, क्योंकि हम सब लोग अल्ट कॉइंस में जा रहे हैं, अल्ट कॉइंस में खेल रहे हैं। अगर अभी तक हम सभी लोग बिटकॉइन में होते तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता, लेकिन हम अल्ट कॉइंस को यूज़ करने लग गए हैं इसलिए थोड़ा सा चल रहा है यहाँ पर। लेकिन सभी लोग ध्यान देना यार अल्ट कॉइंस पर भी। मैंने बोला था उस दिन पिछले लाइव में, पिछले वीडियो में, कि किसी भी दिन कोई बड़ा क्रैश हो सकता है अल्ट कॉइन में, और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मिला था देखने के लिए, पर ऐसा कुछ बाद में भी हो सकता है। तो अवेयर रहें प्लीज़ उन सब चीज़ों को लेके आप, क्योंकि यार आपके पास भी बड़ी मेहनत का पैसा आता है जैसे औरों के पास आता है। तो मेरे साथ आना है, कुछ चुनिंदा ही प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। मुझे 2.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 2.5 साल की आप हिस्ट्री को खोल कर देख लो। अंजद भाई सिया कॉइन इज ऑल्सो अ गुड, यार मैं खुद सिया कॉइन बाई कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, और विच इज़ द बेस्ट कॉइन टू। नील वोरा भाई बोल रहे हैं कि कौन सा कॉइन है जो कि 1000x रिटर्न दो। क्रिप्टो करेंसी गुरु नहीं हूँ मैं, बहुत चीज़ें मैं आप लोगों से सीखता हूँ, इस फेसबुक से देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर औरों के भी वीडियोस देखता हूँ। ऐसा कॉइन आप मुझे बता दो नील वोरा भाई जहाँ पर 1000x होने वाला है। एक बीटीसी लगाऊंगा और फिर तो बल्ले बल्ले। अब जिम्मेदारी आपको मेरे ऊपर छोड़ी मैंने, नील भाई आपने बताना है मुझे कि ऐसा वो कौन सा कॉइन है जो कॉइन 1000x होगा, उस कॉइन में मैं 1 BTC लगाऊंगा। यहाँ पर एक भाई आए हमारे बड़े भाई स्थिर सिंह भाई बोल रहे हैं 1 कॉइन, अरे बापरे बाप बापरे बाप। स्थिर भाई क्या हो गया 1 कॉइन को, क्या हो गया TBC? सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो अरे नरेंद्र भैया गुरुजी क्या हाल है आपके, नरेंद्र भाई भी हैं हमारे यहाँ पर दिल्ली से हैं और बहुत सुलझे हुए और बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं, BTC में बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी जान रहा हूँ, जो मुझे भी जान रहे हैं और हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का रेजोनेंस कैपिटल में फिलहाल। निर्वरा भाई बोल रहे हैं कि ICX ने दिया इसलिए आपकी रियल राय पूछी, भाई आप एक्सपर्ट हो भाई। निर्वाई गलत नहीं बोलोगे,
मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अगर दुनिया में कोई इंसान ये बोलता है कि मैं किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, वो 100% गलत है, 100% गलत है। तो ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। सुनील भाई बोल रहे हैं, भाई मेरे को बोलो किस में इन्वेस्ट करूँ। मतलब मैं तो यार जिंदगी बोले नहीं किसी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ मेरे प्रोग्राम्स में आना है, मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे प्रोग्राम्स में नहीं आना है, तो तब भी मोस्ट वेलकम है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भाई लोग मेरे साथ में बात करते हैं, सब चीज़ करते हैं, और वो मेरे साथ में काम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कैलाश भाई हैं यहाँ पर, आज दिन तक सिंगल किसी प्रोग्राम में मेरे साथ नहीं काम किया उन्होंने, किसी प्रोग्राम में नहीं करने। बहुत लंबी उम्र है कैलाश भाई की, बिल्कुल बहुत लंबी उम्र है, देख लो, नाम भी लिया और फिर हाजिर हो गए, ठीक है। मैंने थोड़ी देर बात कर लो यार कॉल। अमजद भाई बोल रहे हैं रेजोनेंस का प्लान कहाँ मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा भाई, और कहाँ मिलेगा, मुझे आप कॉल कर लेना लाइव के बाद में। तो अरे सुनील भाई मेरे बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करो। भाई संतोष कुमार सोमा जी की मैं गारंटी नहीं लूँगा, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप उनके अकाउंट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि कभी अकाउंट सीज हो सकता है। अगर हम सब ने संतोष भाई के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया ना, ये अकाउंट कभी भी सीज हो सकता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ बच के रहें। सुनील भाई बोल रहे हैं कि गौरव शर्मा तुम्हारा डाउनलाइन है क्या रेजोनेंस में। भाई गौरव शर्मा तो मेरा बहुत बड़ा एंटी है, उसका बस चले तो मुझे गोली मार दें। लो सुदर्शन भाई बोल रहे हैं तबला बजाते हैं, बोले मुझे तबले में ट्रेडिंग करना सिखा दीजिए बड़े भाई। लो भाई सुदर्शन भाई आपको तबले में क्या सिखाना है यार, चार इधर से मारो चार उधर से मारो, म्यूजिक निकलेगा आपके लिए, तो वही ट्रेडिंग है सबसे बड़ी, क्योंकि आप तो सबसे अच्छे गुरु तो आप ही हैं यार। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो रेजोनेंस कैपिटल को लेके, मैं दे रहा हूँ आपको बहुत जल्द माइनिंग के भी वीडियोस दे रहा हूँ आपको, जहाँ पर मैं अपने सारे के सारे सेटअप्स का दिखाऊंगा, सारे अपने सेटअप दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा, कैसे माइनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन से कॉइन में मैं माइनिंग कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन हो रही हैं, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द। इसलिए जो मेरा अपना चैनल है रिंकू शर्मा के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। भाई मुझे ट्रेडिंग सिखाओगे क्या, प्लीज़ आई वांट टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी। सुनील भाई जितना मुझे आता होगा उतना बता दूंगा, लेकिन अगर आप ये बोलोगे यार कि तू किसी कॉइन को बता और उस कॉइन में मैं बोलूं और गलती से वो कॉइन अप डाउन हो गया, तो फिर नाम आ जाएगा जी रिंकू शर्मा सबसे बड़ा स्कैमर है, ठीक है। आज की डेट में जो प्रोग्राम्स मैं कर रहा हूं, अगर आपको उन प्रोग्राम्स को मेरे साथ कंटिन्यू करना है आप आ सकते हैं। फ्यूचर नेट का मैट्रिक्स का प्लान आज भी नंबर वन प्रोग्राम है मेरा, रोज के $10 से $12 रोज के फ्री के आ रहे हैं, $10 लगाकर $44,000 बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोग्राम को रियलिटी में करना ही नहीं चाहते डेडिकेशन के साथ में। अगर हम डेडिकेशन के साथ में किसी भी प्रोग्राम को करना चाहें, हम डेफिनेटली गारंटेड पैसा बना सकते हैं। आप लोगों में जुनून होना चाहिए जैसा जुनून मैंने अपने अंदर पाला, दो दो घंटे सोया, कहाँ कहाँ टीम खड़ी कर दी, आज वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज के अंदर अपनी टीम काम कर रही है, कहाँ से आई, ये सोशल मीडिया से तो आई। करो आप फेसबुक को यूज़, करो आप ट्विटर यूज़, करो आप लिंक्डइन यूज़, करो आप इंस्टाग्राम यूज़, करो आप फ्यूचर नेट का सोशल मीडिया यूज़, करो आप स्काइप यूज़, व्हाट्सएप पर दुनिया भर के सुबह से लेकर शाम तक मैसेज आते रहते हैं, भाई साहब ये वाला प्रोग्राम कर लो, ये फ्री में ज्वाइन कर, मुझे भी दुनिया भर के भेजते हैं आप लोगों की तरह, ऐसा नहीं है।
ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो पेटीएम में 250 रुपये, ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो पेटीएम में 500 रुपये, ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो पेटीएम में 1000 रुपये। आया कभी किसी को? अगर किसी को आया है और कोई एविडेंस दे सकता है तो मैं गारंटेड बोलता हूँ कि मैं उस पर वीडियो बनाकर दूंगा सबको। प्रूव करके दिखाओ एक सिंगल पर्सन कि उसने किसी के लिंक से जाकर ज्वाइन किया, उसको 5-7 हज़ार रुपये मिले और उसने बैंक में विड्रॉल किए, चाहे वो पेटीएम से आए हों चाहे किसी से भी आए हों। अगर आपको ऐसी इनकम आई है आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। और अगर नहीं आई है तो छोड़ दो ना यार अपना टाइम वेस्ट करना। गया मैं दूसरी कंट्रीज में, देखा मैंने वहाँ जाकर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं व्हाट्सएप में, या तो सुबह से शाम तक यार ये चल रहा है भाई साहब आज मंगलवार है ये वाला मैसेज भेज दिया, इस मैसेज को 11 लोगों को भेज दो, और ये मैसेज अगर 11 लोगों को चला जाएगा तो आपका भला हो जाएगा। अब मेरा तो भला नहीं होगा, मेरा भला कब होगा? जब मैं अपनी डाउनलाइंस की हेल्प करूँगा, जब वो मेरे साथ में काम करेंगे और मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पाऊँगा, तभी मेरा भला हो सकता है। कोई सिंगल ऐसा प्रोग्राम मुझे बताओ जहां पर ये दुनिया भर के चल रहे हैं भाई साहब फलाने वाले आईसीओ को ज्वाइन कर लो आपको 5000 कॉइन फ्री मिलेंगे, फलाने वाले उसको ज्वाइन कर लो 2000 कॉइन फ्री मिलेंगे, फलाने वाले प्रोग्राम को कर लो 1500 कॉइन फ्री मिलेंगे। फ्री का मतलब क्या है? आप खुद सोचो, आप अपनी कंपनी खुद डालो, आप एडमिन बनो किसी कंपनी के, और आप बताओ क्या आप फ्री में कॉइन दे सकते हो किसी को? दे ही नहीं सकते भाई। आप बताओ ना मुझे, एक सिंगल आदमी बता दो मुझे जो ये बोल के दिखाए, ये प्रूव करके दिखा दे कि किसी सिंगल आदमी ने किसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उसे 1000 कॉइन मिले। क्या 1000 कॉइन मिल गए भाई साहब? आज कॉइन 10 सेंट का है और ये कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, लाना होगा फलाना होगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और आप क्या करो इस कॉइन में आ जाओ, आपको 1000 कॉइन फ्री मिल रहे हैं। भाई अगर 10 सेंट का भी एक कॉइन है तो 1000 कॉइन की वैल्यू निकाल लो, और उसमें अगर जब फ्री का होता हम और आप सब लोग साइनअप्स करते हैं ना, हम और आप सभी लोग साइनअप्स करते हैं, और हम जब हम सभी लोग साइनअप करते हैं तो होता क्या है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोगों का डाटा इकट्ठा होता है। किसी भी प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए चाहिए होती है आप लोगों को ईमेल आईडी चाहिए होती है ना, और जब आप लोग उस ईमेल आईडी को डालते हैं, मैं किसी कंपनी को लेकर आता हूँ, समझना आप जरा सा यार, टॉपिक तो कुछ और था लेकिन ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा आपको बोल ही दूँ आज। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं नहीं बोलूँगा लाइक करो कमेंट करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मैं किसी कंपनी को लेकर आया, कोई माई बाप का नहीं पता कौन है उस कंपनी का, एक कॉइन आया और उस कॉइन में मैंने बोला भाई आप सब लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो, और रजिस्ट्रेशन करके आपको जो है 1000 कॉइन फ्री मिलेंगे। कोई बता सकता है अगर एक ऐसा प्रोग्राम मैं लेकर आऊँ जहाँ पर 1000 कॉइन फ्री मिलने वाले हैं, कितने लोग साइनअप करेंगे? कोई बताएगा? लिखना जरा, मुझे तो पता चले कि मतलब ये जो सामने दिख रहे हैं मुझे इतने लोग लाइव हैं अभी, ये सुन भी रहे हैं कोई या टाइम ही फूट रहे हैं अपने भी। कोई मुझे बताओ, अगर मैं ऐसी कोई सिस्टम लेकर आऊं और मैं बोलूं कि भाई अगर आप यहां पर साइन अप करोगे आपको इतने कॉइन्स फ्री मिलेंगे, तो क्या लगता है आपको कितने साइन अप हो सकते हैं 1000 कॉइन के लिए? मनीष भाई बोले ऑलमोस्ट सभी लोग आएंगे। अमजद भाई बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा।
कोई अक्षय भाई बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा, सुरसन भाई बोल रहे हैं कोई नहीं आएगा, सुनील कुमार भाई ने बोला 1 लाख साइनअप्स, गारंटेड बोल सकता हूं, गारंटेड बोल सकता हूं। आप 1 लाख साइनअप की बात करते हो, मैं बोलता हूं 5 लाख से ज्यादा साइनअप्स उठेंगे और इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, व्हाट्सएप पर चलेगा, मैसेंजर पर चलेगा, यहां चलेगा, वहां चलेगा। आज मुझे मेरे फैन फॉलोअर ज्यादा नहीं होंगे, 100, 200, 500 तो होंगे। अगर मैं यहाँ पर किसी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, भाई इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री में आपको यहाँ साइनअप्स मिलने वाले हैं, फ्री में आपको यहाँ कॉइन मिलने वाले हैं, क्या होगा, 5-7 लाख लोग धीरे धीरे करके साइनअप्स होंगे। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि मेरे जैसा आदमी जो उस कॉइन को लेकर आया था, मैं जो जिस कॉइन को लेकर आया था वो कॉइन नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों का डाटा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता है। अगर इतने बड़े अलादीन का चिराग उन लोगों के हाथ में है जो फ्री में कॉइन दे रहे हैं, तो आज टाटा बिरला से कम नहीं होते, कोई कॉइन नहीं दे सकता है, लेकिन वो दे रहा है, दे रहा। वो उसने क्या करा, आप लोगों का लाख, एक मिनट यार जरा आवाज बहुत आ रही है बाहर से, गेट बंद कर दो, एक मिनट यार जरा। उसने क्या करना है, उसने करना है आप लोगों का, मैंने किया आप लोगों का डाटा इकट्ठा। अब मेरे पास आ गया 5 लाख लोगों का वो डाटा जो ऑलरेडी ऑनलाइन में एक्टिव है। अब वो डाटा किसके पास है, मेरे पास है, मैं किसी को उस डाटा को सेल कर सकता हूं, और सेल करके कितना पैसा बना सकता हूं शायद अभी आप लोग आइडिया नहीं लगा पा रहे हो। कल को मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर ला सकता हूं और उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये बोल सकता हूं कि भाई साहब ये वाला सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसको यूज करो, जब आप लोग इसको यूज करोगे, ठीक है, जब आप लोग इसको यूज करोगे और इसके बाद जो है आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम को प्रमोट करोगे, आपका प्रोग्राम इतने लाख लोगों तक जाएगा, उतने लाख लोगों को व्यूज मिलेंगे। अगर मेरे पास में 10 लाख लोगों की ईमेल आईडी आ जाए जो एक्टिव हो, मैं पर डे 1 लाख रुपए बना सकता हूं बिना कुछ करे। तो मेरे जैसे तो यार एक्सपर्ट बैठे हैं जो दुनिया में ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हैं। थोड़ा यहां से सोचूं, ठीक है, यहां से सोच के चलो, बंद कर दो ये व्हाट्सएप पर मैसेज डालना कि भाई साहब आज सोमवार है, ये वाला फोटो 11 लोगों को शेयर नहीं किया तो ये हो जाएगा, आज फ्राइडे तो आज ये हो जाएगा, और आज संडे तो ये हो जाएगा, और शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज तो आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप हो जाएंगे यार, हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे जब हम उनको अच्छे सुकून नहीं की जिंदगी नहीं दे पाएंगे, समझो इन सब चीज़ों को। अगर आज हम यहाँ पर इस ऑनलाइन में आए, क्यों आए, उसके आने के पीछे का रीजन क्या था, उसके आने का रीजन जो था हमारा वो यही था कि हम कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे तब हम इस प्रोग्राम में आए। अगर हमारे सब चीज़ें सेटल होती, वेल सेटल होती, हम लोग यहाँ पर नहीं आते। आज हो सकता है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करो, बट इट्स ट्रू, यहाँ पर कोई आदमी पैशन के लिए नहीं आता है कि भाई साहब वो नौकरी कर रहा है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो क्रिप्टोकरेंसी में घुस रहा है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान में आ रहा है, वो यहाँ पर माइनिंग कर रहा है, वो यहाँ पर मैट्रिक्स के प्लान्स में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर जो है अपना टाइम पास करने आ रहा है, कोई नहीं आता है, सबकी डोमेस्टिक नीड्स हैं, तभी सभी हम और आप लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबके पास दिया हुआ है भगवान ने, यूज करो इसको। मेरे साथ अगर आप आना चाहते हैं, 3 ही प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, तो तीनों प्रोग्राम बिंदास चल रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितने वीडियोस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। मैं हैप्पी हूं अपनी टीम के साथ,
क्योंकि उनसे उतना रिगार्ड मिलता है, उन लोगों के साथ मैं कंटिन्यू हूँ, सब चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं। पहला प्रोग्राम फ्यूचर नेट, $10 का मैट्रिक्स, ठीक है। वाह सुनील भैया, इनकम टैक्स वालों की तरह पूछ रहे हो कि तुमने कौन सा कौन कौन सी कॉइन होल्ड पे रखा है। नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी सुनील भाई, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं मैं। फ्यूचर नेट का मैट्रिक्स प्लान $10 से स्टार्ट करके $44,000 का प्लान है। सभी लोग अगर मिलकर करें डेफिनेटली पैसा बना सकता है हर सिंगल पर्सन। मैं बना रहा हूँ, मैं फिर एक वीडियो डाल के देता हूँ आप लोगों को, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर दे देता हूँ, चेक करना आप कि मैंने फ्यूचर नेट का प्रमोशन कब से बंद किया हुआ है, लेकिन एवरी सिंगल डे मुझे यहाँ पर $12 से $15 आ रहे हैं बिना कुछ करे, क्योंकि वो टीम मैंने बना के खड़ी कर दी है। फिर प्रमोशन स्टार्ट करूँगा फिर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दुनिया ने बोला रेवेन्यू शेयर बेकार है, रेवेन्यू शेयर का प्रोग्राम ऐसा, रेवेन्यू शेयर का प्रोग्राम ये है वो है, मैं कर रहा हूँ फ्यूचर एड प्रो, बिंदास चल रहा है, 1% डेली दे रहा है। मेरे सामने हजारों रेवेन्यू शेयर आए और हजारों रेवेन्यू शेयर चले गए, कल भी वहीं था और आज भी वहीं है। क्यों है, क्यों है? क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम को चूज किया जो इनकम मीन्स प्रॉफिट कम देता था। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने ये देखा यार कि जो प्रॉफिट कम देगा लंबा चलेगा, जो प्रॉफिट ज्यादा देगा वो जाएगा, ठीक है। तीसरा इसका कॉइन आ रहा है जिसको मैं बड़ी शिद्दत के साथ में करने वाला हूं, क्योंकि रियलिटी में बिग प्लेटफॉर्म है, बैक ऑफिस बहुत स्ट्रांग है, सबको पता है फ्यूचर नेट का बैक ऑफिस कितना स्ट्रांग है। रेजोनेंस कैपिटल कर रहा हूं, बिंदास कर रहा हूं इसको भी, और अपनी टीम भी बिंदास कर रही है, सभी अच्छा खासा का रिवेन्यू यहां से जनरेट कर रहे हैं, एवरी फ्राइडे विड्रॉल आ रहा है, टाइम से ले रहे हैं। थर्ड, उस प्रोग्राम को जब मैं इंडिया में लेकर आया था तो सब ने बहुत हल्ला मचाया था, जिसका नाम है हेलो हार्ट। लाखों रुपए बनाए लोगों ने, लाखों रुपए बनाए, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जिस यूट्यूबर ने हेलो हार्ट में काम नहीं किया हो। लेकिन आज भी मैं वहीं आने वाला हूं, क्योंकि उसके जब एडमिन था उसका एक्सीडेंट हो गया नोएडा में, और जब वो मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई, याददाश्त चली गई, उसके बाद वो रिकवर कर रहा है अपने को और बहुत जल्द फिर आ रहा है हेलो हार्ट को लेके, बिल्कुल करूँगा उसको। इंडियन प्रोग्राम जबरदस्त प्लेटफॉर्म, सबने देखा है एक एक दिन में और एक एक लोगों ने कितना कितना विड्रॉल मारा है। आज भी YouTube के बराबर को वीडियो देखने को मिलेंगे कि लोगों ने एक एक लाख रुपए का विड्रॉल वीकली लिया है, नॉट अ बैड डील। एक इंटरनेशनल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वर्ल्ड वेंचर, कैसे करना है कैसे नहीं करना उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इन सब के लिए आप askrinku.com पर जा सकते हैं, askrinku.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी कि कब क्या 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 हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया, कोशिश की अपना बेस्ट देने की, मैं भी गलत हो सकता हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई महागुरु नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया और आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो को मैं यही बोलूँगा आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे, औरों को भी कुछ सीखने को मिले। और मैं यही बोलूँगा कि जितने लोग नहीं चाहते हैं रिंकू शर्मा को और उसके वीडियोस को डिसलाइक करना चाहते हैं ना, तो उनका तो मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है। बाकी जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो वीडियोस को डिसलाइक नहीं करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, उनको बोलूँगा कि आप जितने लाइक करना चाहते हो आप उतने शेयर करो ना इस वीडियो को, औरों को तो अवेयर करो यार कि वो संडे मंडे छोड़ दो, ये फ्री फ्री छोड़ दो, किसी अच्छे प्रोग्राम को कर लो, कुछ ना कुछ कर जाओगे। फाइनली इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक मज़ेदार आपको एक बात और बताता हूँ यार, मैंने एक वीडियो डाला न्यू ईयर का, ठीक है, न्यू ईयर का मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने न्यू ईयर की विशेस दी। पहला बंदा जिसने किसी ने देखा डिसलाइक,
हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं क्योंकि मेरे साथ हो तो आप लोगों के साथ भी होंगे। कोई ना दो चार भाई लोग मेरे भी ऐसे हैं जो डिसलाइक हमेशा डालते रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं बीट में कि रिंकू का वीडियो आएगा और हम डिसलाइक मारेंगे। जैसे ही मैंने न्यू ईयर का वीडियो डाला बोला डिसलाइक। यार मैं तो उसमें किसी का प्रोग्राम का प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको और आपकी फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उसमें भी डिसलाइक। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से भी, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सीखें कुछ, कुछ भी फ्री में नहीं होने वाला है। जुनून पाल लो, पागलपन बना लो, मेहनत कर लो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर जाओगे। नहीं तो डेढ़ साल पहले जब मेरा पहला वीडियो आया था आपने देखा था, 6 महीने बाद आपने मेरा वीडियो देखा था, मीन्स 6 मंथ एगो, फिर उसके बाद आपने मेरा 4 महीने पहले वीडियो देखा होगा, आपने मेरा 2 महीने पहले वीडियो देखा होगा, 10 दिन पहले भी वीडियो देखा होगा, और आप भी आज मेरा वीडियो देख रहे हो। डे बाई डे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि रियलिटी में यहाँ इनकम होता है, रियलिटी में यहाँ पर पैसा है, लेकिन आप डिसीजन तो लो एक बार काम करने का, डेफिनेटली बना पाओगे। तो मेरी बेस्ट विशेज आप सभी के साथ में, और 2018 में सभी लोग यहाँ पर ज़बरदस्त पैसा बनाएं। एक दूसरे भाई हैं हमारे यूट्यूबर दिनेश कुमार भाई उत्तराखंड से, गलती से फेसबुक लाइव पर आ गए हैं, इन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम दिया है, तो दिनेश भाई को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे अगले फेसबुक लाइव में, तब तक के लिए यही बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो आपका स्पॉट, ये जो आपका कोऑपरेशन है, इसको ऐसे ही बनाए रखें। मैं भी यहाँ पर तभी हूँ जब आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है? और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि यार आपको अच्छे से अच्छा दूँ। दिनेश भाई बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर। दिनेश भाई मैंने पहले बोला कि मैं यार कोई सर्वर नहीं हूँ, आपकी तरह एक भाई हूँ, भाई की तरह ही रहने दो। ये जो सर नाम जो है ये इंसान में ईगो ला के खड़ा कर देता है। तो मिला हूँ मैं पर्सनली दिनेश भाई से जब दिल्ली आए थे, तो बहुत अच्छा बिहेव है भाई का, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है। तो हर किसी के साथ होता है यार। तो फाइनली यही बोलूँगा मैं माँ लक्ष्मी से ही कृपा करूँगा कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, क्रिप्टो करेंसी बढ़िया से चलें, बिटकॉइंस प्रॉपर काम करे, हम लोग जो है खूब अच्छे खासे बिटकॉइंस बनाएं, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हों 2018 में, और 2019 आते आते आपके लिए कोई भी एक ऐसी सिंगल ऐसा कोई काम नहीं बचे जिसको आप कर नहीं पाओ, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक बार फिर जरूर बोलूँगा शेयर करना मत भूलना, और मेरी वेबसाइट www.askrinku.com पर एक बार विजिट जरूर करें यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइज।